अगर जाति का नाम लेते हैं कि अनुसूचित जाति के घर पे खाना खाते हैं, तो मैंने तो टीवी, व्हाट्सएप, फेसबुक पे जो मैंने देखा है कि जो खाना खाने के लिए लोग जाते हैं, तो वहाँ पर तो वहाँ बर्तन कहीं और कहीं से आ रहा है, भोजन बनाने वाले दूसरे लोग होते हैं और भोजन कराने वाले कोई दूसरे होते हैं। अनुसूचित जाति का व्यक्ति ना तो खाना बना रहा है, ना तो अनुसूचित जाति का व्यक्ति खिला रहा है, केवल अनुसूचित जाति के दरवाजे पर बैठ कर के बोरे पर भोजन किया जा रहा है। लेकिन ये अगर भोजन किया जा रहा है तो इसको फेसबुक, व्हाट्सएप, टीवी पर नहीं चलाना चाहिए। जब हम देश के हम भी एक नागरिक हैं, तो मेरे घर पर खाना खाकर अगर टीवी, व्हाट्सएप, फेसबुक पर चलाया जाएगा तो एक अनुसूचित जाति का मजाक उड़ाया जा रहा है। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। सांसद जी, तो क्या भाजपा का ये दलित प्रेम बिल्कुल ड्रामा है? देखिए, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि सरकार सबकी होती है, सरकार किसी की भी हो, लेकिन जब सरकार होती है तो सभी जात, धर्म, संप्रदाय सभी की सरकार होती है और सभी को साथ लेकर के एक साथ चलने का काम करना चाहिए और किसी भी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको एक साथ लेकर के चलने का काम होना चाहिए। अगर अनुसूचित जाति के हित की बात कही जा रही है, उनको आगे बढ़ाने की बात कही जा रही है, उनको साथ लेकर चलने की बात कही जा रही है, तो आज अनुसूचित जाति के लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, जिसको टीवी, रेडियो, अखबार के माध्यम से पढ़ने को, देखने को, सुनने को आप लोगों को भी मिलता होगा कि जहाँ पर अनुसूचित जाति के लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिल रहा है, जहाँ पर अनुसूचित जाति के लोग बेरोजगार हैं, जहाँ पर अनुसूचित जाति के बच्चे आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं, उनके लिए नौकरी की व्यवस्था नहीं है, वो बेरोजगार घूम रहे हैं। अगर देखा जाए तो अनुसूचित जाति के लोगों को नौकरी के लिए वैकेंसियाँ निकाली जाएं और उनको अनुसूचित जाति के लोगों को नौकरी दी जाए, जो अनुसूचित जाति के लोग बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार दी जाए, जो अनुसूचित जाति के लोगों के पास रहने के लिए मकान की व्यवस्था नहीं है उनको मकान की व्यवस्था दी जाए, जो अनुसूचित जाति के साथ शोषण हो रहा है उस पर प्रतिबंध लगाए जाए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा तोड़ी जा रही है, प्रतिमा तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, अनुसूचित जाति के साथ जो अन्याय हो रहा है उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। सम्मान व्यवहार के साथ भारत के संविधान में सबको बराबरी की जिंदगी जीने का अधिकार दिया, वो चाहे किसी जाति के हों, चाहे जिस धर्म के हों, चाहे जिस संप्रदाय के हों, सबको बराबर का संविधान है। हम तो ये चाहेंगे कि भारत का संविधान दुनिया के संविधान से सबसे अच्छा संविधान वो भारत का संविधान है। अगर भारत का संविधान पूरी तरीके से लागू हो जाए तो भारत में चिराग उठा करके भी आप गरीबी ढूंढेंगे, भारत में गरीबी नहीं पाएंगे। और भारत में जो जाति व्यवस्था के आज भी हमको तो ये लगता है कि आज भी जाति व्यवस्था खत्म नहीं हो पा रही है, आज लोगों की मानसिकता क्यों नहीं साफ हो पा रही है, जाति व्यवस्था क्यों नहीं खत्म की जा रही है, आज जाति का नाम क्यों बार बार लिया जाता है, अनुसूचित जाति का नाम क्यों कह करके उनका अपमानित किया जाता है। जब जाति व्यवस्था नहीं है तो उनके घर जात का नाम लेकर के खाना खाने से पूरे बहुजन समाज के लोगों का अपमान हो रहा है। तो इससे हम चाहते हैं, सरकार से हम मांग करते हैं कि अनुसूचित जाति के लिए जो सम्मान व्यवस्था भारत के संविधान है में है, वो भारत का संविधान पूरी तरीके से लागू कर दिया जाए, जिसे पूरे भारत में गैर बराबरी समाप्त हो जाएगी और सबका सम्मान अधिकार सबको बराबर मिल जाए। नेता चारपाई पे खाना खा रहे हैं, नेताओं के लिए 5-स्टार होटल से खाना बन के आ रहा है, जबकि वो दलित जिसके दरवाजे पे वो जा रहे हैं आज भी वो जमीन पे खाना खाने को विवश है, क्या कहेंगे, ये ढोंग है या ड्रामा? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि अनुसूचित जाति के घर पर जो खाना खाने की बात बार बार कही जा रही है, अनुसूचित जाति के घर पर तो खाना तब खाना चाहिए जब अचानक आप पहुँचे। अनुसूचित जाति के घर पर नमक रोटी बना है, दाल चावल बना है, सब्जी बना है, वो क्या खा रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, वो अपना पेट कैसे पालता है, वो अपनी दो जून की रोटी कैसे चलाता है, वो किस गरीबी में जूझ रहा है, उसके तन पर पूरी तरीके से कपड़ा नहीं है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, वो अपमान की जिंदगी झेल रहे हैं। अगर अचानक पहुंच करके उनके घर में जब नमक रोटी जिस दिन बनता है और जब वो पेट भर खाना नहीं खाता है, जब अचानक पहुंचेंगे और अचानक उसके बने हुए जो भी बना हुआ चीज अगर आप खाएंगे और जमीन पर बैठ करके खाएंगे और बिना कोई व्यवस्था के, जिस व्यवस्था के तहत अनुसूचित जाति रहता है उस व्यवस्था के तहत अगर आप खाना खाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि अनुसूचित जाति के लोग अपने परिवार का जीवन यापन कैसे करते हैं। वो तो मैं तो देखती हूँ कि जो 5-स्टार के होटल की तरह जो भोजन बनता है, तो आप भोजन तो घर में भी अच्छा खाते हैं और वहाँ भी अच्छा भोजन बनवा के खाते हैं, लेकिन हमारा गरीब परिवार, हमारा अनुसूचित जात, हमारी पिछड़ी जात, हमारी जनजात, हमारे आदिवासी समाज, हमारी महिलाओं की जो
दशा है, वो भरपेट भोजन नहीं है, उनकी उसकी चिंता करना चाहिए, ना कि उनका मजाक उड़ाना चाहिए। हम तो देख रहे हैं कि आज अनुसूचित जाति के घर खाना खा करके पूरे देश के अनुसूचित जाति का अपमान किया जा रहा है।